हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आज बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, जो दिल्ली मीरठ RRTS है उसका फर्स्ट लुक जो है वो ट्रेन सेट इसी तरीके से होगा और इसको लॉन्च कर दिया गया है। जो ट्रेन सेट है बिल्कुल एरोडायनामिक है और ये इंडिया में ही बनेगा, मेड इन इंडिया है और बॉम्बार्डियर इंडिया की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दिल्ली मीरठ RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एरोडायनामिक मॉड्यूलर डिज़ाइन होगा इस ट्रेन का और ये ग्रेइश टाइप का कलर है लगभग इसको जो लॉन्च किया गया है, और लाइट स्टेनलेस स्टील का जो कार बॉडी होगी वो इस टाइप से होगी। ये बहुत ज़बरदस्त है और NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ट्रेन सेट को। दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन डिज़ाइन है। जिस तरह से दिल्ली NCR का ग्रोथ हो रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो बहुत इंडिया की GDP में 7% का कंट्रीब्यूशन करता है और दिल्ली NCR में बहुत सारे पूरे तमाम भारत से लोग जॉब करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। और इसके लिए देखिए, जो पहला फेज़ है दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ का, दूसरा फेज़ है दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, तीसरा फेज़ है दिल्ली पानीपत। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो जो है शहर के अंदर चलती है, लेकिन RRTS जो है वो शहर को 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर दूर से लोगों को मोबिलिटी करवाएगी, वहाँ से कम्यूट करवाएगी। और देखिए, जिस तरह से रोड का कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, वो सब कम होगा RRTS के आने के बाद। और सराय काले खां से ये न्यू अशोक नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद होते हुए, दुनाई होते हुए सीधा ये मीरठ, और मीरठ में जो बेगमपुर के बाद मोदीपुरम तक जाएगा। और इसका जो काम है, मीरठ दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसके साथ साथ इसका भी काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये इंडिया का पहला RRTS है यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब दोस्तों, मेट्रो और RRTS में अंतर क्या होता है? देखिए, मेट्रो जो होती है वो केवल शहर के अंदर चलती है और उसकी जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, हाई स्पीड तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 80-90 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड 30-35 किलोमीटर्स या 40 किलोमीटर्स पर आर आती है, क्योंकि उसको हर एक एक किलोमीटर डेढ़ डेढ़ किलोमीटर में रुकना पड़ता है। लेकिन जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये इनके स्टेशन हर 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में होंगे, तो इनकी स्पीड मेंटेन रहेगी। साथ में इनको 180 की स्पीड में अभी चलाने का टारगेट है, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 90 और 100 की आएगी। इसकी 100 की अगर एवरेज स्पीड आती है तो ये 90 और 100 किलोमीटर एक घंटे में पहुंचा सकता है। देखिए, हैदराबाद साइट में इसको RRTS ट्रेन सेट को डिज़ाइन किया गया है और इसका जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगा, सावली प्लांट है गुजरात में, ये है सावली प्लांट, यहाँ पर RRTS ट्रेन सेट्स के मैन्युफैक्चरिंग होगा। बॉम्बार्डियर का यूनिट है ये और ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मेट्रो से लगभग 3 गुना तेज़ चल सकती है और इसके स्टॉपेज भी कम होते हैं, क्योंकि मेट्रो में हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में होते हैं, लेकिन इनमें ये RRTS में लगभग 5-7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर में स्टॉपेज होंगे। और दोस्तों, इसको लोटस टेम्पल दिल्ली से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन किया गया है और फिलहाल 30 जो है इसके ट्रेन सेट, वो 6 कोचेज वाले आएंगे जो RRTS पे चलेंगे। और देखिए, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दोनों होगी, वाईफाई एनेबल्ड होगा और स्पेशली चैलेंज के लिए भी जगह होगी, लगेज स्पेस बहुत अच्छा होगा, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स होंगे पैसेंजर सेफ्टी के लिए, और फिर पुश बटन होगा, दरवाजे जो खुलेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए है, बहुत अच्छा है। एरोडायनामिक डिज़ाइन है, NCRTC का बैज है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और जो 10 जो ट्रेन सेट है वो जो है वो 3 कार्स के होंगे, 3 कोचेस के होंगे, वो मीरठ के अंदर चलेंगे, और जो 6 कोचेस के होंगे, 6 कार के, वो 30 ट्रेन सेट्स आएंगे और वो दिल्ली मीरठ के बीच में चलेंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज़रूरत है ऐसे ट्रेन सेट्स RRTS चलाने की, जैसे मुंबई, हैदराबाद के आसपास मेट्रोपॉलिटन रीजन में, चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में, बेंगलोर के मेट्रोपॉलिटन रीजन में, कोलकाता, पुणे, बहुत सारे, अहमदाबाद, ढोलेरा, इन सब शहरों में इनको चलाना चाहिए। अभी जो है दिल्ली से मीरठ जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे और 4 घंटे भी लग सकते हैं पीक ट्रैफिक टाइम में, लेकिन जब ये चलेगी तो शायद इसमें 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो है एवरेज स्पीड 90 और 100 किलोमीटर्स के आसपास इसकी एवरेज स्पीड आएगी। हाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन भी है इसमें, वेदर प्रूफ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पहल, और सेफ एंड सिक्योर भी है, डिज़ाइन फॉर ग्रेट पैसेंजर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये इंडिया में बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।